अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं जनाब, इस प्रोग्राम में हम इतने मज़े की डिशेस ट्राई कर रहे होते हैं, और साथ साथ जनाब आज हमारे साथ एक बार फिर सामिया खान जी होंगी, और मुनीरा तो हमारे साथ होती हैं। चलते हैं मुनीरा की तरफ, पूछते हैं वो कैसी हैं और क्या बनाने वाली हैं आज। तो जी मुनीरा, आप बताएं कि आज कौन सी वो डिशेस हम ट्राई करने वाले हैं और क्या हाल है आपका? बड़ी प्यारी लग रही है रेड कलर की आज कॉम्बिनेशन जो है ब्लैक के साथ। मैं बोलूं? जी ज़रूर बोलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपको रेसिपीज़ के साथ साथ हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल, आज हम जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरा ख्याल है कि जो बाहर हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको लाहौर की स्पेशल, जो हमारी एक अंदरून शहर की, जो हम जहाँ जाते हैं अक्सर और बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त नहीं, शॉपिंग जिनकी शादियों की जाती है, जी बिल्कुल, अनारकली। तो अनारकली की जो मशहूर फ्रूट चाट है, आज मैं कुछ वो बनाऊंगी। बेसिकली उसमें जो उसकी बेसिक जो चटनी होती है ना, और साथ की जो लवाज़मात साथ आमना रखे होते हैं, वो बड़े मज़े के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से उसको बनाने का तरीका आपको बताऊँगी। और साथ हम बना रहे हैं अचार गोश्त, और वो भी बहुत ज़बरदस्त, मैं बोन्स के साथ बना रही हूँ, यानी कि चिकन विद बोन। आप बोनलेस के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत क्विक हमारी रेसिपीज़ हैं ये दोनों, जो मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ आप जब इसको बनाएंगे तो मेरा पाकिस्तान की याद भी ताज़ा होगी, और साथ ही आप जब इसको लिखेंगे तो ये चीज़ आप जब दोबारा से ख़ुद से भी बनाएंगे तो बहुत आपको इजी लगेगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जो अचार गोश्त बना रहे हैं उसके लिए जो तीन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मस्ट हैं, वो है कलवंजी, साथ मेथरे और साथ में सौंफ। आप इन तीनों को क्वान्टिटी में 1 टेबल स्पून लेके अगर बना के भी रख लेंगे तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी मुनीरा, क्यों नहीं, और जब तक आप स्टार्ट करिए मैं यहाँ बताती चलूँ जनाब, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस बात के बारे में कि सामिया खान आज हमारे साथ होंगी, तो आपकी हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो आप कॉल कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट हो मुनीरा के लिए या सामिया जो हमारी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा नंबर, और वो हमें बहुत जल्द ज्वाइन करने वाली है, तो कहीं पे जाना नहीं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा अम्मा। और ये कि आप देखें कि आज तो क्या कहते हैं, ये मैं जिस ये देखिए आमना, मैंने प्याज को चॉप कर लिए, ठीक है। इसको चॉप करके वैसे ही वही तरीका कार है जैसे कि हमेशा मैं ग्रेवीज के लिए बनाती होती हूँ। तो व्यूअर्स, जब भी आप इसको बनाएं तो ये चीज़ें जो आपकी जो आपने बनाने के लिए आपने हमेशा तैयारी करने के लिए रखते हैं, इसको अगर आप फ्रेशली बना के रखेंगे, इस ये जो इन्ग्रीडियंट्स हम मैं बता रही हूँ, तो सही रहता है। वरना आमना आमतौर पर ये होता है कि हम ग्रेवी भी बना के रख लेते हैं, लेकिन ये अचार को जो बड़ी क्विक रेसिपी, इसको बड़ा आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने चॉप किया, मैंने इसमें डाल दिए प्याज, और इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, हाँ जी, ये देखिए आमना, ये हमारे पास सौंफ है, ये मेथरे हैं, ये देखें, और ये हम लेंगे कलवंजी, ठीक है, और ये हम साथ में लेंगे सौंफ, ठीक है। इसी में मैं मिक्स कर दूँगी अपने बाकी के स्पाइसेस भी। अगर आप इन चीज़ों को बना के ख़ुद से भी रखेंगे तो बड़ा इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें रेड चिली साथ में ऐड करेंगे, मैं क्रश चिली। इसमें जो मिर्ची होंगी, यही अला मसाला मिर्चों में हम ऐड कर देंगे, और आपकी जो मिर्ची जिसमें जाएंगी चार गोश्त के साथ, वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। वैसे तो अब तो ये होता है कि आप मिर्चों को लेमन में भी अगर डिप करके आप उसकी गार्निश के अंदर उसके दम पे रख देंगे तो भी बड़ा अच्छा एक थोड़ा सा उसका ना फ्लेवर सा बन जाएगा। ये देखिए हम इसको हमने एक बना लिया इसका मसाला, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसमें लेमन ऐड कर देंगे थोड़ा सा, लेमन जूस। जी लेमन, बिल्कुल फ्रेश लेमन है, क्योंकि हम इसमें ये बहुत जनाब स्पाइसी बनने जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं बड़ा लेमन। और ये देखिए इसमें ये जो चीज़ें हम ना हम जब इसमें ऐड करेंगे ना, साथ में थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला भी, ठीक है। क्या बात है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त। इसी मसाले को अब हम जब योगर्ट में मिक्स करके अपने चिकन में या इसमें मीट में आप ऐड करेंगे तो यही एक इसका जो एक जो फ्लेवर निकलेगा अचार का, वो बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। वही लोग जो लोग जैसे कि आप जो अचार डालते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि यही मसाला जात आपके अचार में भी ऐड होते हैं। तो लेकिन आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, तो बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाला है। अचार गोश्त बन रहा है और उसमें अचार का फ्लेवर ना हो या अचार ना हो तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और वैसे भी जब भी हम अचारी गोश्त के बारे में सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमें फीलिंग आती है कि जनाब बहुत स्पाइसी खाना होने वाला है,
तो क्यों नहीं मुनीरा ने इसमें इतने मज़े मज़े की जो स्पाइसेस हैं वो यूज़ किए और लेमन भी डाल दिया जनाब, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मैं इसलिए जल्दी जल्दी व्यूअर्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी सामिया खान का इंतज़ार है। और यही बात है कि जब उनके साथ गपशप आपना स्टार्ट होती है तो फिर दिल होता है कि साथ साथ उनकी बातें भी सुनी। बेशक, और मुनीरा आपको पता है आज उन्होंने 20th डेट जो है उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करनी है और वो उस बारे में बात भी करेंगी। और जनाब अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, ना सिर्फ सामिया से बल्कि मुनीरा हमारे पास मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आपकी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, हमें ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है तो इंटरेक्ट करें, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं। क्यों मुनीरा? बिल्कुल, ये देखिए मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, जब तक कि चिकन का कलर वाइट नहीं होता उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये मेरे मसाला जात। और साथ में ये आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसकी आपने फिलिंग कैसे करनी है, वेरी सिंपल। ये देखें ये मैंने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद यही मसाले को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, ठीक है। ओके, ये देखिए ज़रा इसके अंदर ये मिर्च आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपने जस्ट इसको फ्लेवर देना है और फ्लेवर देने के बाद आपने इसको रख देना है, ठीक है। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको हम रखेंगे जब इसका हमें दम करना होगा ना, इसके बाद हम इसकी गार्निश करके इसको दम पर डाल देंगे। तब तक ये चिकन हमारा हो रहा है, जब तक इसका कलर वाइट नहीं होता ये पकेगा, फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी सारे। वैसे अगर आप इसमें ये देखिए ज़रा इसको हम ना कर देंगे ना साथ साथ, तो ये ज़रा इजीली हो जाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं अचार गोश्त के लिए, अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ही आपका अच्छा सा फ्लेवर बनेगा और आपकी जो डिश आउट करेंगे आपको सर्व करने के लिए तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू फैलती है कि पता चलेगा कि आपने अचार गोश्त बनाया है आज। क्या बात है जनाब, देखिए हमारा अचार गोश्त इतना फैसिनेटिंग और एक डिफरेंट ही तरकीब है, तो आई एम श्योर आप लोगों की भी हर जगह मुनीरा हर किसी के बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो आप लोग हमारे साथ अपना कुकिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आमना मैं तो जब गर्मियाँ आती है ना तो जैसे भिंडी का मौसम जब आता है तो उसमें भी मैं ये करती हूँ कि इन मिर्चियों को अचार के साथ फिलिंग करके ना भिंडी में ऐड कर देती हूँ। और आप अगर जैसे कि आप कभी कोई बना रहे हो कोई जैसे भरे हुए करेले बनाते हैं उसमें भी आप इसी इन्हीं मिर्चों को फिलिंग करके करेले के अंदर साथ ही रैप अप कर देना तो बड़े मज़े के वो बनते हैं, साथ में उसकी फिलिंग होती है और साहब आप उसको चपट करके खाते हैं तो यही वाली ये चारी मिर्च साथ आती है तो बहुत गर्मी में बड़ा ज़बरदस्त एक आपका ना ये एक बन जाता है कि आप जो एक रेसिपी नई ट्राई करते हैं। इसको कहते हैं कि जनाब आपको डबल डबल मज़े, मुनीरा एक तो बनाना भी सिखा रही है और साथ साथ बता देती है कोई और रेसिपी भी, तो क्या ही बात है। देखिए मिर्चों का जब सीजन हो ना इस तरह की राय होती है ना, देख लें एक ही चीज़ के साथ आपको क्या कहते हैं ज़्यादा बोनस। देखिए जब आप ना जब भी कोई आप बनाते हैं ना कोई रेसिपीज़ बनाते हैं और समर में आपका दिल होता है कि आप कोई ज़्यादातर ड्राई सी चीज़ खाएं, तो ड्राई चीज़ों के लिए आपके पास इतनी मिर्चों की तादाद आती है गर्मियों के मौसम में, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें चटनी खानी है। मैंने एक चटनी बनानी सिखाई थी मेथी की चटनी गर्मियों के हवाले से, जो लोग सालन बहुत अवॉइड करते हैं तो वो इतनी मज़ेदार मेथी की और मिर्चों की चटनी इमली के साथ बनती, तो मैं वो भी इनको ज़रूर सिखाऊंगी गर्मियों की जब हमारे स्टार्ट होंगे। ये देखिए हम इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से ये फ्राइड चिकन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा सॉल्ट के साथ। पहले हमने सॉल्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अब ये फ्राई हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले वगैरह, ठीक है, जो हमने बनाए हैं, बाकी के मसाले भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यम्मी, ठीक है, साथ में इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी, ठीक है। जी जनाब हमारी लाइव कुकिंग हो रही है, क्या बात है, और इसका इतना बेहतरीन किस्म का अरोमा है ना, वो सारे मसाला जात का जो मिक्सचर और जो खुशबू सेंसेस आ रही है बिल्कुल। और जब इसमें हम मिर्चे और साथ में लेमन जूस ऐड करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि इसका कितना ज़बरदस्त इसका एक कलर बनेगा। अभी इसमें मैंने योगर्ट भी ऐड करनी है लेकिन अभी नहीं, बल्कि मैं कर ही देती हूँ थोड़ी सी। ओके, मैं दो चम्मच साथ में योगर्ट। यम्मी, अच्छा थोड़ा सा टीस्पून और टेबलस्पून का थोड़ा सा होता है, मैं चूँकि बना रही होती हूँ तो मैं अपने हिसाब से इसको मिक्स करके योगर्ट डाल दी या आपने स्पाइसेस ऐड कर दिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग थोड़े से कम स्पाइसेस खाते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जैसे कि जो आपका पर टेस्ट है आप वो यूज़ करें। उसके अलावा कुछ लोगों को योगर्ट बहुत पसंद होती है, वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे मैं थिक योगर्ट यूज़ करती हूँ, वो ज़बरदस्त उसका इसकी ग्रेवी बहुत हमेशा अच्छी बनती है। अगर आप लो फैट यूज़ करेंगे तो उससे ना ग्रेवी आपकी अच्छी बनेगी और ना ही आप वो चीज़ जो नज़र आ रही है आपको अच्छा उसका फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये देखिए अम्मा क्या बात है जनाब, अच्छा मुनीरा इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे ख्याल से आपकी भी फेवरेट डिश होगी, राइट? जी बिल्कुल, मेरे तो अपना देखिए एज अ शेफ अगर पूछा जाए
तो मैं तो हर डिशेज चूँकि ट्राई करती हूँ तो जो डिश बनाती हूँ मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताती हूँ कोई ऐसी डिशेज ऐसी वो मुझे बहुत सादा चीज़ें, सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, खैर इस तरह की कई और भी जो डिश अच्छी लगे जो मज़े की बनी हो वो मुझे पसंद होती है। ठीक है ना, तो ये मुनीरा हम क्या ऐड करें इसमें? ये हम ना मैंने वही मसाला और ऐड किया है थोड़ा सा कलवंजी के साथ, चाटने क्या बात है, मज़े की खुशबू आ रही है ना मुनीरा जोगर्ट के साथ। अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी इसमें टमाटर को अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी, आई थिंक ब्रेक में कर लेंगे और फिर इसमें मैं टमाटर सिर्फ और ऐड करूँगी क्योंकि अचार गोश्त में जितनी खटाई साथ आएगी ना तो उतना ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर बनेगा, वो जब खाते तो आते ना यूँ ऐसे करके वो कानों को आके लगता है, तो वैसा एक आपका आना चाहिए। तो आपने भी जब बनाना है तो ऐसे ही आपका होना चाहिए कि अचार गोश्त में ये मसाले आ रहे हैं, कढ़ाई गोश्त में आप अच्छा पता है क्या, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि अचार गोश्त और कढ़ाई गोश्त में मसाले सिर्फ यही निकाल दे तो यही फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें ये होते हैं कि अचार गोश्त में जैसे कलवंजी मेथे और सौंफ के बगैर नहीं बनती, उसी तरह कढ़ाई गोश्त में जब तक आप सूखा धनिया और साथ में ज़ीरा आपने इसको मसल के डायरेक्ट आप जब तक उस पर नहीं ऐड करेंगे तो आपके कढ़ाई में जो एक फ़्लेवर आता है वो नहीं आएगा। क्या बात है जनाब, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है और लाइव कुकिंग हो रही है, यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी साम्या खान, तो मिस करने का तो चांस ही नहीं है जनाब, यहाँ पे लें छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और पाकिस्तान के पकवान में हम सबकी फेवरेट साम्या खान हमारे साथ मौजूद है, तो चलते हैं उनकी तरफ पूछते हैं कैसी हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोगों ने क्या लत डाल दी है आमना कि मैं सूंघती हुई खानों को मुनीरा के मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इतना मज़ा आना शुरू हो गया यार कि आपके खानों का एक लत लगनी शुरू हो गई है। रखने में सर आपकी बात सुन अच्छा जी आमना, क्योंकि मार्च शुरू होने वाला है और पहले तो आई थिंक आपने लोग हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि पीर मंगल बुध को वो हमें लाजमी अपना हॉरोस्कोप भी सुन सकते हैं, आप लोग अपनी कॉल्स जो है हमें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना आप लोगों ने कि एक सवाल करना है जो सवाल ज़्यादा ज़िंदगी का तंग कर रहा हो, क्योंकि टाइम कम है तो हमारी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकें जो है, तो एक सवाल आमना आपसे लेगी उसका जवाब जो है हम कोशिश करेंगे जो महदूद इल्मल्ला पाक ने दिया है उसमें रहते हुए आपको उसका जवाब दे सकें, करने वाली अल्लाह की ज़ात है जो है, सिर्फ सितारों से एक आगही लेके हम आपको कुछ गाइड कर सकें ताकि आपको अपनी आने वाली स्ट्रैटेजी को क्या होना चाहिए। बाकी आमना इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अगले मंडे को हम फिर हॉरोस्कोप शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ इंशाल्लाह, और जो है भूलना नहीं है आप लोगों ने देखना अपना हॉरोस्कोप हफ्ता कैसा गुजरेगा मंडे टू संडे हॉरोस्कोप। अच्छा सामने हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हमें कुछ बताने जा रही हैं 20th मार्च के हवाले से, इंतजार कर रही थी भी आमना मुझे सवाल करे, मेरे हाल से क्यूरियोसिटी सारे हमारे व्यूअर्स को भी होगी तो मैंने कहा पूछते हैं कि क्या जो है। आमना अभी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह करे कि जो जो इससे फैज याब हो सके आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना मार्जिन दे रही हूँ कि कॉपी पेन पकड़ के रख लें, तो मैं इसको आपको भी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेन पहले पकड़ के रख लेना है। और दूसरा एक मैंने और भी सोचा है कि अपने आप लोगों के जो है इस प्रोग्राम के हवाले से कि हम लोगों के साथ हर हफ्ते एक टिप दिया करेंगे जिसका स्पिरिचुअल टिप जो बड़ा मेरा एक फेमस सेगमेंट हुआ करता था वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज तो मैंने मुनीरा के किचन के हवाले से एक टिप रखी हुई है और लेकिन पहले आपने कॉपी पेन पकड़ना है क्योंकि मुझे आपको टाइमिंग्स लिखवाने हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा खुद अपना ड्रैग कर रही हूँ, ये टाइम जो है 20 मार्च का जो दिन है एक ख़ास दिन आ रहा है इस वक्त जो है, वैसे तो हर वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, हर वक्त आपको अच्छी बात मुँह से निकालनी चाहिए क्योंकि हमारे आस पास पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज होती हैं,
आपने देखा होगा ना जब बुजुर्ग बहुत कहते थे कि जी ऑलवेज मुंह से अच्छी बात निकालिए, कोई भी वक्त कबूलियत की घड़ी हो सकता है। तो इसी तरह आमना होता यह कि जब हम बुरी बातें निकालते हैं तो इवल एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी भी मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकाली। वो आपकी जिंदगी में भी बहुत असर पड़ रहा होता है, जो भी आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं वो वाइब होती है ना एक जो आप दे रहे होते हैं। नहीं, और वो उनको वो जो शैतानी कुव्वतें होती हैं वो इंसान का ईमान भटकाने के लिए वो उनको सच्चा कर देती है। तो हमेशा मुंह से पॉजिटिव निकालिए, क्योंकि हर 12 घंटों में एक साथ गुजरती है जो कबूलियत की साथ जिसे कहते हैं हर वक्त। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी वो कबूलियत की घड़ी हो सकती है जब आपकी वो बात पूरी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह 20 तारीख को हम आपको दो टाइमिंग्स लिखवाएंगे जिसमें दुआओं की कबूलियत के टाइम हैं। ऐसा मुबारक दिन आ रहा है इस साल का 20 मार्च, के सन भी एग्जॉल्टेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, चांद भी गुजरेगा, तो वो एक मुबारक दिन है। क्योंकि इस हुआ ये है जनवरी और फरवरी में, जनवरी में बड़ा एक बुरा किस्म का सूरज ग्रहण लगा और 15 फरवरी को चांद ग्रहण लगा, तो दोनों गहनाए गए, दोनों को ग्रहण लगा है। इसलिए थोड़ी सी जिंदगी आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी में लोगों को बहुत एंग्जाइटी इश्यूज, जिसके जिस हाउस में सितारे फॉल किए थे वहाँ वहाँ उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अब ये टाइम 20 मार्च वो आ रहा है कि सूरज को भी शर्फ हासिल होगा, दोबारा अपने शर्फी बुर्ज में दाखिल होगा, चांद भी एग्जॉल्टेशन में जाएगा। तो यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव टर्न आएगा। जो चीज़ तकलीफ दे रही थी वही चीज़ अब अल्लाह मियाँ उसको राहत में बदल देंगे, ये जिंदगी का असूल भी है जी। हाँ। और मेरे ख्याल से इतनी प्यारी बात की है इन्होंने कि एक तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि होप जो है वो कभी लूज नहीं करनी चाहिए, और दुआएं तो हर वक्त कबूल हो रही होती हैं, तो कोशिश करें कि जो भी बोले। मायूसी को कुफर कहा गया है, डे टू डे में जीना सीखना है आप लोगों ने। जो आज का दिन है वो आपका दिन है, कल किसने देखा है यहाँ पे जी जनाब। और अगर कुछ बुरा हो भी गया है तो फिक्र वाली बात नहीं है, इतनी प्यारी न्यूज सुना रही है अल्लाह पाक ने। पता है देखिए, हर रात के बाद सुबह है, बेशक हर रात के बाद, तो अल्लाह मियाँ इतने प्यारे हैं, 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे इंसान को एक हद से ज्यादा वो नहीं आजमाते। अब यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मेरा नाम शहदा है, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। यस्टरडे मेरी सामिया जी से बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि सफेद रंग में सदका दें, तो प्लीज मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती कि सफेद रंग में सदका कौन सा होता है। ठीक है, शहदा अभी बताते हैं आपको। थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक जेमिनाइज जो है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, कंप्लीट किस्म की जेमिनाइज या जिनका नाम के से क्यू से शुरू होता हो वो लोग भी। सफ़ेद रंग के जो राशन होता है उसमें अंडे अंडे बकरे के इक्वल सदका है। इसी तरह आप चावल, नमक, चीनी जो है, आटा, ये हस्बे ज़रूरत एक वो बनाइए। जो लोग बाहर रहते हैं ज़ाहिर है वहाँ पे होमलेस तो होते हैं, लेकिन पता नहीं सदका जो है वो एक्सेप्ट करें ना करें। आप ग्रॉसरी किसी भी ज़रूरतमंद को लेके दे सकते हैं, हस्बे तौफीक, अल्लाह मियाँ ने आपकी नियत मंजूर है, उनको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे रह के अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, कोई नहीं लेने वाला, आप एक अंडा लीजिए जो है, उस पर दुआ पढ़ के आप कोशिश करें कि पीछे मिट्टी हो, पीछे कोई और ना, जैसे चीज़ें ना हो, कच्ची मिट्टी अगर है अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक दीजिए। ये नज़र भी की रेमेडी भी रहेगी और ये आपका एक सदका भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर मुझे नहीं लगता कि सदका देने के लिए आप लोगों को कोई अवेलेबिलिटी हो। अगर तो कोई ऐसे लोग हैं जो डिज़र्विंग है तो आप वहाँ पर यह सफ़ेद रंग की ग्रॉसरी शाहिदा जी पहुँचा दीजिए, बाकी कबूल करने वाली अल्लाह की ज्यादा। सदका रद्दे बला कहा गया, बेशक सदका तो मेरे ख्याल से नहीं अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन मैं सदके की बात जिस तरह हो रही थी तो मेरे ख्याल से सदका तो हर किसी को देना चाहिए। कहते ना कि आपके कितनी मुसीबतें टल जाती हैं, और दिन का आगाज अगर सदके से हो जाए, चाहे वो एक रुपया हो या कुछ भी हो, तो देना चाहिए। बात सदका है, प्यारी मुस्कुराहट सदका है, अच्छा इखलाक जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। अच्छी बात और एक पॉजिटिव सोच किसी के लिए रखना। तो जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं एक टिप आज कहूंगी कि मैं मुनीरा जी से, अक्सर हम खाना पका रहे होते हैं तो हमें एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, खाना कम पड़ रहा है, खाना कम पड़ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, खाना कम ना हो जाए, या घर के अफराद अगर ज्यादा हैं, आप इसको आजमा लीजिएगा। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, सूरह कुरैश छोटी सी सूरत है वो, आप अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, ये हमारा ईमान है कि दुरूद के बगैर कोई दुआ ऊपर नहीं जाती है, कोई दुआ अल्लाह को कबूल नहीं हो ऐसे होती है। तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए अव्वल और आखिर, और उसके बाद
सूरह कुरैश पढ़ के आप अपने खाने की नियत कर लें या अपने खाने पे दम कर दें, आप यकीन कीजिएगा कि अल्लाह पाक कैसे उस खाने में बरकत डालेंगे, जायका भी हो जाएगा, बरकत भी आ जाएगी, आपको फियर्स भी नहीं रहेगा, खाना ऐसा आपका मेहमानों में पूरा आएगा कि एक आजमूदा है ये जो क्या है बात है जनाब। पाकिस्तान के पकवान में एक तो खाना पकाना तो सिखा ही रहे, टिप भी दे दिए कैसे उसमें बरकत डाली जाए। हाँ, सूरह तो क्या ही बात है। हाँ, तो मुनीरा की तरफ चलते हैं और मुनीरा में मेरे ख्याल से हमारी फ्रूट चाट जो है उसको रेडी करिए। जी बिल्कुल, और आमना मैं इस बात से बिल्कुल जामा खान की एग्रीड हूँ कि एक प्रोग्राम में आपको शायद याद होगा, आपने मुझे पहले भी बात बताई थी और व्यूअर्स ये बात हकीकत है कि मैं जब भी करती हूँ मैं इसको ज़रूर करती हूँ और अल्लाह के फजल से हमेशा उस खाने में बरकत ही पड़ती है। और हमेशा कहा जाता है कि जब भी काम शुरू करें तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये तो लाजमी है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं साथ में आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह में बहुत ज़्यादा आपके काम में आपके रिस्क में बरकत डालेंगे। मैं अब सेकेंड जो मेरी रेसिपी है मैं इसको दम पे मिर्चें डाल दूँ जो मैंने आपको बताई थी फिलिंग करके, ये मेरे दम पे डाल दिए। और अब इसको मैं जो चाट बना रही हूँ जिसमें से मैंने केले भी काट लिए हैं, सेब भी काट लिए हैं और अमरूद भी काट लिए हैं, अभी मैंने खरबूजा काटना है, अनार उसमें ऐड करूँगी, साथ में रेजन्स, बादाम, खजूर, स्ट्रॉबेरी, साथ में ऑरेंज जूस, साथ में जो उसका आपको पता है अनार के लिए का जो मशहूर फ्रूट चाट का जो एक सिरप होता है जिसको कहा जाता है कि चटनी, वो इसमें हम बना के इसमें मैंने डाली है। अभी उसमें मिक्स करके जब उसको हम डिस्प्ले में लगाएंगे और खाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल सी चटनी है इसको जिसको पकाया है, जिसको आपने इमली लेनी है, इमली में आपने पानी ऐड करके, अगर आपके पास एक पाव इमली है तो आपने तो दो गिलास पानी रख के, नमक साथ में, अजवाइन साथ में, नमक और साथ में दो चम्मच चीनी, इसको खूब पकाएं, जब ये गाढ़ा हो जाएगा चाट मसाला इसमें ऐड करें, लेमन जूस ऐड करें और ये आपने इसके ऊपर सर्व करनी है जब आपने इसको बना लेना है। बहुत जबरदस्त। हमारे साथ जनाब एक कॉलर है, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और किधर से? मैं इरफान बात कर रहा हूँ स्पेन से। मुझे सानिया जी से बात करनी है। इरफान आप किधर से बात कर रहे हैं? स्पेन से बात कर रहा हूँ। ओके, आप कर सकते हैं सामिया जी से बात। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी इरफान आपको आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही। क्या आपकी आवाज? जी क्वेश्चन बताइए अपना। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 4 साल से इधर हूँ और मेरा जरा इशू है रेजिडेंस का, तो वो नहीं हो रहा क्लियर, तो वही पूछना था। किस चीज का इशू आ रहा है आपको इरफान साहब? आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे स्टूडियो में? हेलो, रेजिडेंस कार्ड का इशू आ रहा है मेरा, जरा वो पूछना अच्छा, था कि आप हमें मुझे अपनी एग्जैक्ट वाली तारीख पे दाइश देंगे। जी 2 जुलाई 2 या 9 2 जुलाई जी 2 सेकंड जुलाई बोला है ना भाई आपने? जुलाई। आवाज ही कोई इरफान आपकी आवाज में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। चलते हैं सामने, आप कुछ बता रही थी 20th के हवाले से जनाब। हमारे तक यकीनन आप लोगों ने पेन और कागज जरूर पकड़ लिया होगा। अच्छा जी, ये डेट पहले शुरू होती है, सूरज एंटर होगा अपने नए बुर्ज में जहाँ से उसकी बिगिनिंग होती है, और सूरज को इस घर के अंदर जब वो एंटर होता है, एस्ट्रोलॉजी हमेशा मैं कहती हूँ कि ये एक इल्म है, इसीलिए जब तक इसकी दलील ना दी जाए, तो मैं जो साहिब अकल हैं जिनको जिनको लॉजिकल लोग होते हैं, जिनको लॉजिक चाहिए होते हैं, तो मैं अपनी लॉजिक देके अपनी बात को हमेशा बयान करती हूँ ताकि आप लोग इस इल्म को मिक्स ना करें। तो 20 तारीख को सूरज एंटर होगा बुर्ज एरीज में, बुर्ज हमल में, यहाँ इसे शर्फ हासिल होता है। लेकिन जब ये 0 डिग्री पे एंटर होता है उस वक्त कहते हैं कि दुआओं की कबूलियत के साथ उसे कहा जाता है। तो 20 मार्च को एक टाइम भी सुबह शुरू होगा 9:39 के ऊपर, 9:39 क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता, 39 मिनट के ऊपर। अब आप जो बाहर हैं आप लोग ये कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का ये वक्त है सुबह का, आप लोगों ने उसको अपने टाइम पे लेके जाना है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता आप लोग इसको आप लोगों को करना आएगा कि कैसे उसको अपने टाइम पे आप लोग फिट करेंगे। पाकिस्तान के इस वक्त को आप अपने टाइम के ऊपर फिट कर जाएंगे। 9:39 पे ये टाइम शुरू होगा और जो है मेरे ख्याल से सामने यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, क्यूरियोसिटी को बरकरार रखें जनाब, ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए पाकिस्तान के पकवान।
बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है। आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर सामिया और एक्सपर्ट शेफ मुनीरा हैं। तो मैं तो दो एक्सपर्ट्स में इतनी इनकी इनटू कन्वर्सेशन हो गई हूँ माशाल्लाह। और जनाब आप भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वो कैसे कि हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है हमारा नंबर, आप ऑडियो या वीडियो कॉल करके किसी भी तरह हमारी एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं, चाहे वो मुनीरा हो या हमारे साथ सामिया भी मौजूद है। तो आप भी फोन करें, कोई मसला है तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। मुनीरा मेरे हाथ से डिश आउट करी है हमारा आमना, इसको मैंने एक प्लेटर को डिश आउट किया है, देख सकते हैं आप। अचार गोश्त, साथ में रोटी, और साथ में इसमें मैंने मिर्ची रखी है, और साथ में मैंने इसमें सैलड रखा है। अभी इसको मैं प्रॉपरली पूरा भी करूँगी, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई डिश बनाते हैं, जब तक आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि आपका सालन अच्छा होगा। अच्छा मुनीरा, ग्रेवी कहते हैं प्याज अगर डाला जाए तो प्याज ज़्यादा मीठा कर देते, ग्रेवी किससे अच्छी बनेगी? ग्रेवी हमेशा देखें, जब प्याज थोड़ा आपका होगा ना, और साथ इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ, टमाटो प्यूरी उसमें डालेंगे, यानी कि टमाटर को ब्लेंड करके ऐड करेंगे, तो ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़्यादा प्याज डाल देंगे, टमाटर थोड़ा डालेंगे, तो सालन मीठा मीठा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम डालेंगे अपनी फ्रूट चाट। क्या बात है, जब तक मुनीरा इसको डिश आउट कर रही है, मेरा ख्याल से हम रेसिपी कार्ड चलाते हैं अपने फ्रूट चाट का यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए। आई एम श्योर अब तो रमज़ान भी आने वाला है, सब ट्राई करना चाह रहे होंगे, तो फ्रूट चाट का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो वो आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, आपने फ्रूट चाट मैंने ज़बरदस्त किस्म की बनाई है, तमाम फ्रूट्स को कट की है, और इसकी जो मैंने बेस बनाई है वो जिसमें तमाम फ्रूट्स जिसमें डिप हुए हुए हैं, वो है हमारी इमली की चटनी, ठीक है। हाँ जी, और साथ में इसके ऊपर जो मैंने गार्निश की है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अनार लिए, कंधारी अनार इसमें डाला है, खट्टे मीठे बड़े मज़ेदार किस्म के होते हैं। साथ में इसमें बादाम जो क्रश किए हुए हैं वो इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। साथ में इसमें होंगी रेजन्स, आप ये देख सकते हैं, वो हमने इसमें ऐड किए हैं, और तमाम फ्रूट्स जो कि कट करके उसको मैंने किया। क्या बात है मुनीरा, तुम्हारा अचार गोश्त भी रेडी है मेरे ख्याल से। मुनीरा ने साथ में ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज जूस, ये देखिए थोड़ा सा, अब इसमें ऑरेंज जूस। अब आमना अचार गोश्त का भी हम रेडी हो चुका है, ठीक हो गया जनाब। अचार गोश्त का भी रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो आप वो भी नोट कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे, जल्दी से नोट कर लें। जैसे कि रेसिपी कार्ड पर देखा कि तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आपने जो बेसिकली जो आपने तमाम मसाला जात को इकट्ठा करके आपने उसको एक प्याली में डाल लें, इसमें योगर्ट में मिक्स करें। सबसे पहले अपने प्याज को सौते करना है, फिर उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है, फिर अपना चिकन ऐड करना है, उसको अपना हल्का सा ब्राउन करें कि उसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि वाइट कलर में। उसके बाद आपको जो मैंने मसाले बताए हैं वो आप इसमें ऐड करें कि टमाटो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे, यानी कि टमाटो पेस्ट। टमाटर को मैं हमेशा ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ज़रा इजी उसकी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद योगर्ट, और फिर आप उसको दम पर रखेंगे। मिर्चों की फिलिंग के लिए वही मसाला, उसको फिल करके मिर्चों में लेमन जूस ऊपर से स्प्रिंकल करके आपने उसको जब दम पे देंगे तो आप दम पे रखेंगे, क्योंकि फिर जो मिर्च इसमें आएगी वो उसके साथ बहुत अच्छा उसका टेस्ट अचारी मिर्च का, और साथ में अचार गोश्त का बड़ा अच्छा है, इसका एक फ्लेवर भी आएगा। आप इसको ट्राई करें और हमें फीडबैक बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। जी तो जनाब मुनीरा की तो आपने बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन भी देख ली, रेसिपी कार्ड भी नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम सामिया की तरफ, वो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिसको हमने क्यूरियोसिटी आप लोगों में बरकरार है जनाब, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ और मैं भी बड़े गौर से सुन रही हूँ कि कैसे हम उसको 20th की डेट को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो बताएं सामने, 20 मार्च 2018 वाला दिन, ये कमी चांस होता है कि चांद और सूरज एक ही दिन एग्जॉल्टेशन में आ जाएं। मुझे शायद अल्लाह मियाँ पे भी प्यार आ रहा है कि जनवरी और फरवरी में गहनाए गए हैं, उनको ग्रहण लगा और बेचारे ग्रहण से वीक हुए थोड़ी सी जो सितारे दोनों, और दोनों ही अब शर्फ की हालत में आने वाले हैं। तो जी सूरज यानी पहला दुआओं का टाइम 20 मार्च को शुरू होगा। चांद जो है, चांद ग्रहण का पहला ये टाइम नोट कर लें, वो है जी 9:39 पे शुरू होगा
11:24 पे ख़त्म हो जाएगा। 9:39 पे सुबह के टाइम पे शुरू होगा और 11:24 पे ख़त्म हो जाएगा। ये है चांद का शर्फी हालत में जाना। उसके बाद आ गया सूरज ग्रहण, जो सूरज को ग्रहण लगा अब वो शर्फ में दाखिल होगा। 20 मार्च 2018 का दिन, आई थिंक ट्यूसडे बनता है शायद उस दिन, और जो है ये टाइम जो है ये एक ही टाइम है, और ये उस वक्त को आपने 3:30 से पहले दुआ के लिए बैठ जाना है। 3:30 से पहले ही दुआ पे बैठ जाना है। एग्जैक्ट 3:30 पे आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहें, नफल पढ़ना चाहें, या आप कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए जो भी आपको अच्छी लगती हो वो पढ़िए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। पाकिस्तान के पकवान इसी तरह हरे भरे और जो है दस्तरखान हमारे खुशादा रहें। आमीन। अपने मुल्क के लिए भी दुआ करनी है ना, मुल्क की मट्टी तो उससे तो कोई भी जो है। जी जनाब, सामने यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है और किधर से? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ जर्मनी से, और मैं सामिया साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जरूर। जी सदफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने मंडे को भी आपको कॉल की थी और आपके जो आप मुझे बड़े पुर तसल्ली वाले लगे, इसलिए मैं आपको दोबारा कॉल की है। जी सदफ। जी मेरे दो सवाल हैं। एक मेरे भाई के हवाले से है। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1987, और उसका ये सवाल है, उनका अपना घर है, वो बेचना चाह रहे हैं लेकिन उनका घर सेल नहीं होता। और दूसरा सवाल है कि वो यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरी अम्मी और वो, क्या वो आ सकते हैं हम अप्लाई करें? ये भाई पाकिस्तान में? हाँ जी, फिलहाल पाकिस्तान में। और इनका नाम क्या है जी? नाम गौहर अब्बास। गौहर अब्बास। अच्छा, एक सवाल ये है कि वो अपना घर सेल करना चाह रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये कि वो बाहर आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। बस सिर्फ आप स्क्रीन पे रहिएगा और दोनों हम आपको जवाब देते हैं। दोनों जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा आमना, ऐसा है कि इनके भाई को नजर आ रहा है कि कोई माशाल्लाह बल्क में पैसे नजर हमें आ रहे हैं उनके पास आते हुए, तो अल्लाह ने चाहा 16 मार्च ऑनवर्ड्स अपनी कोशिश को बढ़ा दीजिए, बिफोर नवंबर आप अपने घर की एक अच्छी प्राइस आपको मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा सवाल आपका था, अच्छा गौहर अगर इस वक्त में कोशिश कर रहे हैं इस साल में बाहर आने की, तो ये वाला साल मुबारक है, और अगर इस वाले साल में नहीं काम बनता तो फिर 2019 के दिसंबर से कोशिश दोबारा करनी, उससे पहले नहीं करनी। अव्वल मैं इनको कहना चाहूँगी कभी भी अपने मुल्क से कश्तियाँ जला के बाहर ना जाएँ, क्योंकि इनको अपना ही मुल्क रास आएगा फलने फूलने के लिए। इनका बिजनेस हाउस अच्छा है और अच्छी ज़िंदगी इनका मुकद्दर है। पैसों में नुकसान भी इन्होंने किए हैं ज़िंदगी में, लेकिन फ़ायदे भी अल्लाह पाक देंगे। तो ये हमने मुकम्मल एक जवाब दिया है। चीनी सदका दिया करें, और चीनी कभी कभी कच्ची मिट्टी में, गौहर के लिए मैं कह रही हूँ, ये कच्ची मिट्टी में चूंटियों को कभी ऐसे स्प्रिंकल कर दिया कर कीजिए, जैसे मिट्टी पर छिड़क दिया चीनी को, और उन्हें भी कहिए कि वो दुआ करें या अल्लाह का इसमें आज़म जो है वो रिसाइट किया करें। तो आई थिंक हमने जल्दी जल्दी पूरी डिटेल, क्या बात है, इतने प्यारे तरीके से सामने ने एलिबरेट कर दिया। यहाँ पे लेंगे जनाब हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हम फिर से अपने फेवरेट सेगमेंट में हैं, जहाँ पे बेहतरीन किस्म की इतनी खुशबू और इतनी लजीज किस्म के खाने हमारे सामने पाकिस्तान बेशक देख लें। जी सामिया भी कह रही हैं कि एक इम्तहान होता है कि जब आपकी मेज़ पे इतनी प्रेजेंटेशन और इतने खूबसूरत खाने आपके सामने, और खुशबू भी हमें ऑल द टाइम फैसिनेट कर रही होती है कि जनाब बस चख लें किसी तरह।
तो मुनीरा ने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन कर दी है, वो प्रॉपर होता ना कि किसी को टेस्ट करना होता है कि नहीं, जिस तरह बच्चों के सामने बहुत एक तैयार करके कोई चीज़ रखती जाए। तो सामने की तरफ चलते हैं जनाब, और 20th की बात हो रही थी, इतनी क्यूरियोसिटी मैं भी जानना चाह रही हूँ कि सामने और कुछ आप बताना चाहें इस हवाले से। दिन बहुत अहम है, फिर पाकिस्तान के लिए दिन बड़ा अहम है, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की गाड़ी भी अपनी पटरी पर चढ़ जाएगी यहाँ से जो है। और दूसरा ये कि हम सदकात भी आपको बता दें। अच्छा, क्योंकि एक ही दिन है, मज़े की बात ये है, तो 20 मार्च को सुबह के वक्त में आप कोई भी दूध वाली चीज़ पका के खैरात कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं, खीर हो गई, सफ़ेद चीज़ कोई भी, या नहीं आपके पास बनाने का टाइम है, आप कोई भी दूध किसी को लेके किसी गरीब को दे दीजिए, या फिर सूरज का भी उसी दिन है तो पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जो बाहर के लोग हैं, आई थिंक मैं अपने क्लाइंट्स को जो बाहर के, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास मस्जिदें होती हैं, आप मस्जिदों में भिजवा दीजिए कोई चीज़ पका के। और सूरज का सदका पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, लड्डू हो गए, जलेबियाँ हो गईं, आप हलवा येलो ऑरेंज पका सकते हैं। तो 20 मार्च को दो सदकात भी कर दीजिए, और स्पेशल इस दिन में तीसरे कलमे की बहुत बरकत है, वजू की हालत में उसको पढ़िएगा, अल्लाह ताला आप सबकी दिल की मुरादें पूरी करें। 3:30 दोपहर के टाइम पाकिस्तान का वक्त, आप लोगों ने अपने अपने मुकामी वक्त पे उसको एडजस्ट कर लेना है पाकिस्तान के इस टाइम को, क्योंकि आप लोग हमें मुख्तलिफ जगहों से सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं हर जगह का टाइम आपको दे सकूं। तो ये जो पाकिस्तान का ये वक्त होगा वो आपने अपने मकामी वक्त पे उसको कन्वर्ट कर लेना है, बाकी अल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए भी दुआ मांगनी है, मैं दुआओं के लिए फ़कीर बन जाती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करनी है, मैं कि खुद मुझे दुआ मांगने का सलीका ही नहीं मुनीरा आता जी। मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तुझे मेरे दिल की सारी हसरतें पता है, मुझे दुआ मांगने का सलीका ही नहीं आता कि कैसे मांगी जाती है। लेकिन मैं वो बाबा अशफाक की दुआ जो है ना, अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ दें और हमें आसानियाँ बांटने की भी तौफीक दें, ये ना हो कि हम समेट के अपने घरों में बैठ जाएं। जी बिल्कुल, हाँ। इसी तरह जिस तरह हम लोग पाकिस्तान के पकवान के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप में खुशियाँ बिखेरते हैं, आप भी अपने आस पास खुशियाँ बिखेरें। और यहाँ पर शुक्रिया अदा करती चलो मैं साम्या का और मुनीरा का, जिन्होंने इतनी प्यारी बातें और इतने मज़ेदार खाने आपके सामने पेश किए हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त, दुआओं में आपने हमें हमेशा याद रखना है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।